महिला महाविद्यालय की दीवारें भी पढ़ाएंगी सशक्तिकरण का पाठ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन के नेतृत्व में कौशल विकास एवं छात्र कल्याण पहल के अंतर्गत महिला महाविद्यालय में वॉल पेंटिंग पर 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला 25 फरवरी से 3 मार्च 2023 के बीच में आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय कैंपस में शिक्षा छात्रों के लिए हमेशा ही केंद्र बिंदु रहता है, परंतु कॉलेज जीवन में खोजने, नवाचार करने, मनोरंजन करने की भी अपनी अलग जगह होती है। अच्छे शैक्षणिक वातावरण में सुंदर कैंपस शैक्षणिक अनुभवों को बढ़ाता है। वॉल पेंटिंग भी छात्रों में थोड़ी रचनात्मकता और उत्साह जोड़ने का एक माध्यम है। सुंदर दीवारें न केवल कैंपस अनुभव को बढ़ाती हैं, बल्कि दीवारों पर बनाए गए सुंदर संदेश युक्त सजावट प्रतिदिन देखने वालों के शिक्षित करने में भी मदद करती हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर इनू मेहता ने बताया कि कॉलेज की छात्राएं चाहती थीं कि 2023 का वर्ष सभी स्टूडेंट्स के लिए यादगार रहे, इसीलिए G20 को केंद्र में रखकर भारत की आधी आबादी जो कि युवा शक्ति भी है को एक मजबूत संदेश दे रही हैं। बता दीजिए। प्रतिमा कुशवाहा। प्रतिमा जी, किस प्रकार का यहाँ पर ये पेंटिंग का कार्य हो रहा है? ये 7 डेज वर्कशॉप चल रही है वॉल पेंटिंग, क्रिएटिविटी क्लब और पेंटिंग सेक्शन डिपार्टमेंट जो है हमारा, उनके कोलैब के साथ बन रहा है ये। 20 बच्चे हैं इसमें जो काम कर रहे हैं। ये जो G20 लिखा हुआ है इसका क्या इसमें? हाँ, क्योंकि हमें पता है कि इस साल जो है G20 का इंडिया जो है प्रेसिडेंसी कर रहा है और जो वाराणसी है वो होस्ट सिटी है, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए MMB भी G20 के साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट को भी हम शो कर रहे हैं अपने वॉल पेंटिंग के थ्रू। ऐसे कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? ये है कि वुमेन जो है वो एम्पावर हो। आइडिया जो यहाँ पे है कि वुमेन एम्पावरिंग वुमेन, और यहाँ पे मेंटल हेल्थ की भी बात की जा रही है कि वुमेन को कैसे, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी होता है। G20 में भी वुमेन का क्या क्या रोल हो सकता है वो भी सिग्निफाई करने की हम कोशिश। केवल महिला महाविद्यालय में ये आयोजन कर रही हैं या अन्य जगह भी करेंगी? अभी तो हालांकि हमने स्टार्ट करा है इस साल और इसी समय की सिर्फ MMB में अभी किया है। हालांकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो और जगह भी हम करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, परिचय बता दी। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर ललिता वत्सा है। मैम, किस प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया? हम लोग स्टूडेंट लीडरशिप एंड लाइफ स्किल इनिशिएटिव के तहत स्टूडेंट्स के अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे लिए बहुत ही अच्छा साइन ये है कि ये वर्कशॉप का प्रपोजल स्टूडेंट ही लेकर आए, उन्होंने ही डिज़ाइन आइडेंटिफाई करे। उनका मोटिव था कि हमें एक ऐसी जगह बनानी है कॉलेज में जो आर प्लेस हो, हम उसको अपनी यादें देके जाएं, और ये वर्ष वैसे ही खास है इस देश के लिए भी और वाराणसी के लिए भी, उसको हम डिपिक्ट करना चाहते हैं। मैम, जैसा कि पेंटिंग में दिखा जा रहा है G20 का इसमें क्या रोल है? G20 के लिए हम इस साल वाराणसी उसका एक होस्ट सिटी है, इसलिए हम इस साल को कॉलेज के लिए मेमोरेबल बनाना चाहते हैं, ताकि बच्चे आते जाते जाने कि G20 और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी अभी लोगों बनाएंगे इसके ऊपर। ये दो चीज़ें जो इस साल की सबसे खास है, सबको याद रहे। मैम, ऐसे कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? स्टूडेंट्स की लीड लेने के स्किल्स को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लें, वो आगे आएं, अपने इंस्टीट्यूशन से प्यार करें, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को खुद सहेजते हैं, खुद बनाते हैं, तो हमारा उसे जुड़ाव होता है। सालों बाद भी आएंगे तो हमें याद आएगा कि ये कोना हमने डेवलप किया था।